बुकिंग हो गया था हम लोग का, थोड़ा सा गड़बड़ लगा था। 3 साल मतलब यही शुरू से यहीं से लेते जा रहे हैं ना? 3 साल गाइस, जय श्री राम। होपफुली काफ़ी अच्छे हो गए। और बहुत लोग का कमेंट आता है, भाई आप भिलाई में रह के आप औंधी जाते हो, थनौद जाते हो, यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, भाई आप भिलाई में रह के भिलाई का एक वीडियो बनाओ जो कि सुपेला में, मतलब सुपेला रावण भाटा में जाओ और वहाँ का मूर्ति भी दिखाओ। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको मैं थोड़ा शेयर करूँगा बात, क्योंकि जो मेरा बचपन है वो यहीं सुपेला भिलाई रावण भाटा ही में गुजरा है। जब भी मेरा स्कूल का छुट्टी होता था, मैं साइकिल लेके निकल जाता था, मैं और चार पाँच फ्रेंड लोग अपन यहीं सबसे पहले जाते थे भिलाई सुपेला रावण भाटा में, और यहाँ की मूर्ति देखते थे। जो कि अब अभी तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ मूर्ति बनना कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत बाहर बाहर से स्टेट के लोग आते थे, यहाँ मूर्ति बनाते थे। हर एक दुकान छोड़ के यहाँ पर सबको मूर्तिकार दिखते ही थे, बट अभी कोरोना काल के बाद से यहाँ पर मूर्तिकार कम हो गए। और यहाँ पर अभी मैं जिस जगह पर हूँ, यहाँ पर उड़ीसा के मूर्तिकार है, उड़ीसा से लोग आते हैं, यहाँ मूर्ति बनाते हैं। तो अंदर से मैं ले कर चलता हूँ, और यहाँ की सारी की सारी मूर्ति कलर हो गए, और आँख खोलना बस बचा हुआ है। बाकी विश्वकर्मा जी भी बन रहे हैं, कृष्ण जी भी बन रहे हैं। तो अंदर ले कर चलता हूँ और सारी मूर्ति आपको दिखाता हूँ। तो ये सामने का फ्रंट में हूँ अभी। फ्रंट में यहाँ पर पूरे विश्वकर्मा जी की मूर्ति अभी बने हुए, जो कि ये सब मूर्ति ऑर्डर की खाली है भैया, ये मतलब कुछ कुछ खाली है, कुछ कुछ बुक हो गए हैं। तो ये सब विश्वकर्मा मूर्ति सामने रखा गया है अभी, इसलिए रखा गया क्योंकि अभी इसमें से कुछ मूर्ति बुक है और कुछ मूर्ति खाली है। इधर पास भी विश्वकर्मा जी है, जो कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, उसके 2 दिन बाद गणेश पूजा। बाकी वो जो कृष्ण जी है ये ऑर्डर के हैं, और इसको आज ले जाया जाएगा। ये भी भिलाई की मूर्ति है। पहले मतलब अगर थनौद मतलब लोग मतलब पहले की मैं बात बताऊं तो फ्रेंड्स, पहले जो थनौद थे, औंधी थे, इस इधर से मूर्ति ज़्यादा नहीं जाती थी। लोकल वाले लोग सिर्फ भिलाई यहीं रावण भाटे से ही मूर्ति लेके जाते, जैसी दिन जाता है उसी क्वालिटी, मतलब लोग क्वालिटी देखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इन लोग के बारे में भी मैं एक थिंग मेरे मतलब मैंने सोचा कि भाई इसलिए इन लोग का मेरे ख्याल से लोग बंद करने का रीज़न एक ही था, यही था, क्योंकि जब सेल नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग का जो भिलाई वाले भी लोग हैं वो औंधी चल जाते हैं, फिर और भी अदर मतलब चल जाते। तो इसलिए मतलब यहाँ की जो है मतलब जो मूर्ति जो मतलब जो जिस हिसाब से बनाते हैं उस हिसाब से भाई बाहर स्टेट से आते हैं, फिर कुछ तो कमाई मतलब कमाई चाहिए ना, तभी तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो फिर इसीलिए इस तरह जो मूर्तिकार हैं वो कम होते चले इधर, तो यही रीज़न था। बाकी अभी भी जो इधर पर जो है छोटे छोटे जो समिति वाले लोग, जैसे हमारे जो अंडर 18 एज वाले जो लोग रहते हैं ना भाई, एक्साइड रहते हैं, हम गड़ी जीवट हैं, तो उस अंडर एज में 70-80 एज वाले में यहाँ से मूर्ति लेके जाते हैं। बाकी इधर तो हाइट आपको प्राइस जो है आपको प्राइस सेम ही मिलेंगे, 5,000, 3,000, 4,000 से ऐसे रेट मिलते, बाकी सब कलर हो चुके हैं। इधर देखोगे तो देखो यहाँ पर भी जो है न्यू लुक में बने हुए, ऐसे में आप बहुत सारे मूर्ति देखोगे। ऐसा मूर्ति ना पौंधी में देखे हो ना थनौद में देखे हो, ये थोड़ा नए लुक में दिखे गणेश जी। बाकी भाई अभी तक जो समिति वाले लोग नहीं आए होंगे, जो ऑर्डर नहीं किए होंगे, तो भाई एक बार आप यहाँ आके विजिट करिए, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्ति है बने हैं, तो यहाँ से भी आप पसंद कर सकते हो। और मुझे आई थिंक मेरे ख्याल से आप यहाँ पर एक ना एक मूर्ति आपको पसंद आएगी ही, देखोगे तो ये इधर वाले में। तो बस सब मूर्ति में कलर हो चुके हैं, बस जो आँख खुलना है वो आँख खुलना बचा हुआ है। इधर पास देखोगे तो पूरे शिव जी के अवतार में जो है गणेश जी को बनाया गया है, और सबकी हाइट कम होगी। हाइट की बता दूँ तो उधर से जो 4 फीट 5 फीट 6 फीट ये मतलब हाइट की है गणेश जी। इधर पास भी देखो शिव नंदी महाराज में बैठे हुए हैं गणेश जी। इधर फ्रेंड्स मतलब जो हाइट है लगभग मेरे ख्याल से देखो मेरी हाइट, मेरी हाइट 6 फीट 5 फीट 10 इंच है, तो इधर लगभग 5 फीट की यहाँ समथिंग पूरी मूर्ति है, 5 फीट 6 फीट की मूर्ति आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी देखो पीछे बैकग्राउंड में पूरा लकड़ी है, और बैठे हुए गणेश जी।
वहाँ पर पूरे छोटे छोटे विश्वकर्मा जी भी रखे हुए हैं। और इधर छोटे मूर्ति, आप फ्रेंड्स छोटे मूर्ति भी बोल रहे थे ना कि छोटे मूर्ति अगर आप दिखाओ तो छोटे मूर्ति भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और इधर कम रेंट में मिलेंगे, 500 से आपको रेट स्टार्ट है, 500, 300, 600 ऐसे आपको आपको रेट मिलेंगे। देखो ये सब छोटे छोटे गणेश जी, प्योर मिट्टी के गणेश जी है। बाकी तो कृष्ण जी भी, इधर कृष्ण जी भी रखा हुआ, कल कृष्ण जन्माष्टमी है तो मूर्ति बना के रख दिए हैं। आप भी मूर्ति बुक करने आए थे क्या भाई? मूर्ति बुक करना है क्या? नहीं, बुकिंग हो गया था, हम लोग कल थोड़ा सा गड़बड़ लगा था, दूसरा करवाना। कौन सा मूर्ति आपका? हम लोग तो वो वाला सामने बैठा भरते पीछे देखिए, ये वाले नहीं, ये है, ये सेवा मतलब ये वाले। कहाँ कहाँ से हो आप भाई? सेक्टर 4 से। सेक्टर 4, क्या नाम है समिति का? बाली हुआ गणेश। तो आप लोग यहाँ कितने साल से लेके जा रहे हो भाई गणेश? तीन साल, मतलब यहीं शुरू से यहीं से लेते जा रहे हैं ना? नहीं, 3 साल से बैठ तो रहा है, 12 साल से। तो आपका माइंड में ऐसे थनोद उधर का नहीं है ख्याल? नहीं, यहाँ का ठीक रहता है, थना थनोद में थोड़ा हैवी रहता है, बजट में नहीं आता। हाँ, मतलब इस रेंज में मतलब सही है, मिल जाते अपने को ना। धन्यवाद भाई, मूर्ति मिल जाएगा। तो भाई भाई भी अभी एक मूर्ति भी बुक हो गई इधर के। तो इधर पास देखो विश्वकर्मा जी है, विश्वकर्मा जी भी रखे हुए हैं। बाकी इधर पास मूर्तिकारों का एक ही कमरे में जो खाना पीना बनता है इधर, फिर खाना शीश यहीं, सोना होना सब कुछ। तो ये भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है बाहर स्टेट से आके फिर इधर मूर्ति बनाना, फिर अगर जो प्रॉफिट ना हो तो फिर, इसलिए थोड़ा बहुत समझ सकते हो फ्रेंड्स बाकी इस टॉपिक में। तो आओ यहाँ पर भी विजिट करो एक बार, मूर्ति देखो सब। अभी मूर्ति खाली है ना अभी तो? अब बुक कितने हो गए होंगे लगभग? तो अभी 30-40 मूर्ति मतलब बुक है अभी, कुछ कुछ खाली है। चलो बस कुछ दिन में जो है आँख खुलना भी हो जाएंगे, आँख खुल जाएगा गणेश जी। तो फ्रेंड्स, तो मैंने आपको यहाँ की सारी मूर्तियाँ दिखा दी है, तो आप एक बार ज़रूर आए विज़िट करिए। और कौन सी मूर्ति आपको बेस्ट लगी वो मुझे कमेंट बताना, और ऑर्डर अभी भी मतलब अभी ले रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फुल धमाक धमी के लिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।